चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 द आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस VSAQS। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, इनका आंसर आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना। वेरी शॉर्ट टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 12 एंड एंगल सी इज इक्वल टू लैम्डा एंगल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल लेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये कंडीशन दी हुई है हमको, एंगल सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एंगल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि तीनों साइड है एबीसी अपने पास, और कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि अपने पास में एबीसी तीनों साइड है, और कॉस ए की भी वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बाय कोसाइन फॉर्मूले से कॉस सी की वैल्यू, सेंस कॉस सी इज इक्वल टू सी के बाद में ए आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस सी स्क्वायर, सी 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 8 इंटू बी की वैल्यू 10, तो सॉल्व कर दो तो विच इज इक्वल टू ये 164 हो जाएगा माइनस 144 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10 which is equal to 164 में से 144 माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2 और 1 माइनस 1 0, 20 अपॉन 2 into 8 into 10, ये 10 से कैंसिल कर लो, 10 से 2 टाइम और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, which is equal to 1 upon 8, तो cos c की वैल्यू आ गई हमारे पास, cos c is equal to 1 upon 8। अब हम क्या करते हैं cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, सेंस cos a इज इक्वल टू a के बाद में b आता है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, वैल्यू रख दो इसके अंदर, b स्क्वायर, b की वैल्यू 10 है तो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू 12 है तो 12 स्क्वायर 144 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर 64 अपॉन 2 इंटू बी की वैल्यू 10 है इंटू सी की वैल्यू 12 है विच इज इक्वल टू 100 प्लस 144 करेंगे तो 244 हो जाएगा माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 12, तो सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू 244 में 64 माइनस करो 4 माइनस 4 0 और ये 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 और ये 1 180 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 12 को कैंसिल कर लो, ये 1 0 से 0, 2 से 9 टाइम और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये आ गई हमारी cos a की वैल्यू, cos a is equal to 3 upon 4, ये आ गई हमारी cos a की वैल्यू 3 upon 4। अब cos a की वैल्यू 3 upon 4 आ गई और cos c की वैल्यू है 1 upon 8। अब हम cos 2a वाला एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख देते हैं तो which implies cos 2a को ऐसे ही रहने दो, अभी is equal to 2 cos square a, cos a की वैल्यू है 3 upon 4 तो cos square a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 square 9 upon 4 square 16 और ये minus 1, cos a की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ से, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, which implies cos 2a is equal to ये 2 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ LCM ले लेते हैं 8 तो ये 9 माइनस 8 तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज cos 2a इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1 अपॉन 8 और इस 1 अपॉन 8 को हम cos c लिख सकते हैं, ये cos c की वैल्यू 1 अपॉन 8 है, तो विच एम्प्लाइज
कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस c, और c की वैल्यू निकाले थे हमने, सेंस कॉस c इज इक्वल टू 1/8 है हमारे पास। अब देखिए जो c एंगल है, ये c एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, c एंगल दिया है लैम्डा a के इक्वल, तो c के प्लेस पे लैम्डा a रख देते हैं, व्हिच इंप्लाइज कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस और c के प्लेस पे लैम्डा a, देन c इज इक्वल टू लैम्डा a, ये गिवन कंडीशन है हमको। अब देखिए यहां से कंपेयर करके अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस से कॉस कंपेयर हो जाएगा, a से a कंपेयर हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा, ये जो 2 है ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, बस यही आपको कैलकुलेट करना था, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, तो ऐसे आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू 2√6 एंड √3-1, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। देखिए एक ट्रायंगल की जो साइड्स है वो इन तीन क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल दी हुई है, तो हमको उसके ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करता हूँ, ये तीनों साइड को एबीसी कंसीडर कर लेता हूँ, और उसके बाद में हम यहाँ पर दिखा देंगे कि कौन सी साइड ग्रेटेस्ट है, और आपको मालूम है कि जो साइड ग्रेटेस्ट रहती है उसी का अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। तो लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू √6 एंड सी इज इक्वल टू √3-1। क्लियरली देखो यहाँ सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए की वैल्यू 2 है, √6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगी, और सी की वैल्यू √3-1 है, सबसे बड़ी साइड है √6, तो बी इज ग्रेटर देन, बी किससे बड़ा है, ये 2 है और ये 2 से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ देखो बी इज ग्रेटर देन ए, ए इज ग्रेटर देन सी, तो सबसे बड़ी साइड बी हो गई, तो इस बी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वही सबसे बड़ा होगा, देंस एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो देयरफॉर यहां पर सबसे बड़ी साइड बी है तो बी का अपोजिट एंगल बी होगा, देयरफॉर एंगल बी विल बी ग्रेटेस्ट एंगल। अब एंगल बी ग्रेटेस्ट एंगल है तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कोसाइन बी का यूज कर लेते हैं, कॉस बी इज इक्वल टू b के बाद c आता है तो c square plus a square minus b square upon 2ca, वैल्यू रख दो इसके अंदर, which is equal to c square, c की वैल्यू है √3-1, इसका स्क्वायर करेंगे √3-1 होल स्क्वायर प्लस a square, a की वैल्यू है 2, 2 square 4 हो जाएगा, minus b square, b की वैल्यू √6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, upon 2 into c की वैल्यू √3-1 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंट लगाएंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab करेंगे तो 2√3, और ये 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 2, अपॉन 2 2 4 इंटू √3-1, तो सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 और क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 माइनस 2√3 अपॉन 4 इंटू √3-1, यहां से माइनस 2 कॉमन निकाल लेते तो √3-1 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस बी के इक्वल चल रहा है, कॉस बी इज इक्वल टू यहां से माइनस 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं तो ये √3 और ये माइनस 1 बचेगा, नीचे की क्वांटिटी कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस 2 कॉमन लिया है, अपॉन 4 इंटू √3-1, ये √3-1 से √3-1 वाला ब्रैकेट, 2 से 2 टाइम क्या बच गया, माइनस 1 अपॉन 2, विच एम्प्लाइज कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही, तो
कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। लेकिन ये ट्रायंगल के एंगल है और ट्रायंगल के जो एंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल के एंगल्स है एबीसी, तो ट्रायंगल में कोई भी एंगल आपका 180 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अपने को ये वाला 0 से 180 के बीच में एंगल रहेगा, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू -1/2 होगी? सेकंड क्वाड्रेंट को 180 माइनस थीटा बोलते हैं। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। अब 1/2 पॉजिटिव वैल्यू कॉस में किसकी होती है? 60 डिग्री की होती है। इसको 60 डिग्री लिख दिया मैंने, विच एम्प्लाइज कॉस बी इज इक्वल टू, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 तो -1/2 आएगा। कैसे? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन प्लस होता है, कॉस है तो पहले माइनस आ जाएगा। 180 में नो चेंज, माइनस कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये -1/2। ये हो गया कॉस 180 माइनस 60 120 डिग्री। कॉस से कॉस एडजस्ट हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो गया 120 डिग्री का। देखिए यहाँ जो एंगल है वो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो 180 से छोटा और 90 से बड़ा 120 डिग्री का एंगल पॉसिबल है ट्रायंगल के अंदर। तो जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा ट्रायंगल एबीसी का वो 120 डिग्री का, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एबीसी। एक कंडीशन दी हुई है ट्रायंगल एबीसी में, तो तीनों एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसके लिए मैं कंडीशन को सॉल्व कर देता हूं, कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन सी। अब ये जो स्मॉल एबीसी है इसकी वैल्यू साइन फॉर्मूले से रख देते हैं अपन, के साइन ए, के साइन बी और के साइन सी। तो विच एम्प्लाइज कॉस ए अपॉन ए को लिख सकते हैं के साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी को लिख सकते हैं के साइन बी इज इक्वल टू कॉस सी, और सी को लिख सकते हैं के साइन सी। देखो तीनों में के दिख रहा है, के से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा? कॉस ए अपॉन साइन ए को कॉट ए लिख देते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी को कॉट बी और कॉस सी अपॉन साइन सी को कॉट सी। व्हिच इंप्लाइज कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी। अब देखिए कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी आ गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कंपेयर कर देंगे तो ए बी सी तीनों एंगल इक्वल आ गए। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर जब तीनों एंगल इक्वल आ जाए तो ऐसी एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगी? दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई अपनी तीनों एंगल की वैल्यूज, ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन एनी ट्रायंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं इसी को ले लेता हूं, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू, देखिए साइन फॉर्मूले से ए को हम के साइन ए लिख सकते हैं, के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी को ऐसी रहने दो, प्लस बी को लिख सकते हैं के साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए को ऐसी रहने दो, प्लस सी को लिख सकते हैं के साइन सी और साइन ए माइनस बी को ऐसी रहने दो। अब देखिए तीनों टर्म में के के और के कॉमन दिख रहा है, तो के को कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉमन आ गया,
यहाँ बच्चा साइन ए साइन बी माइनस सी, तो ये ए को पाई माइनस बी प्लस सी लिख लेते हैं, साइन पाई माइनस बी प्लस सी, बार ब्रैकेट लगा दो ऐसा, एन टू साइन बी माइनस सी को ऐसे ही रहने दो, प्लस ये के तो निकल गया, ये साइन ये बी को पाई माइनस सी प्लस ए लिख लेते हैं, साइन बी को लिख रहे हैं पाई माइनस सी प्लस ए, एन टू साइन सी माइनस ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस जो लास्ट वाली टर्म है के तो निकल गया, साइन सी और साइन ए माइनस बी है तो ये सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख लेते हैं, साइन पाई माइनस ए प्लस बी इन टू साइन ए माइनस बी। अब इसको देखो ये क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है और ये साइन ही है, और 180 में नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी, ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू के इंटू पहला वाला हो गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी को ऐसे ही रहने दो, प्लस यहां पर साइन पाई माइनस सी प्लस ए को साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए को ऐसे ही रहने दो, प्लस थर्ड वाले में साइन पाई माइनस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी बन गई, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी को साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लिख देते हैं, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए को साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू के इंटू हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी पहला वाला, सेकेंड वाला साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए तो इसको साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये थर्ड वाला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा। अब ये नेगेटिव साइन स्क्वायर बी और ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर बी कैंसल्ड, नेगेटिव साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए कैंसल्ड, नेगेटिव साइन स्क्वायर सी पॉजिटिव साइन स्क्वायर सी कैंसल्ड, सारी टर्म कैंसल हो गई, विच इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में जीरो, और जीरो का के में इंटू करेंगे तो जीरो, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा जीरो। तो ये जो एक्सप्रेशन था ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तो ऐसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एनी ट्रायंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, ये समेशन ए इंटू साइन बी माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं इसी को ले लेता हूँ, समेशन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। अब देखिए समेशन का मतलब इस टाइप की जितनी भी टर्म पॉसिबल होगी सबको प्लस करना है आपको, तो एक ए के साथ में ब्रैकेट है, फिर एक बी के साथ में ब्रैकेट आएगा, फिर एक सी के साथ में ब्रैकेट आएगा, ट्रायंगल एबीसी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए साइन बी पहले वाले को ऐसे रहने दो माइनस साइन सी प्लस बी। अब देखो यहाँ ए के बाद में बी आया था, बी के बाद में सी आया था, यहाँ बी है तो बी के बाद में सी और सी के बाद में ए, तो इसको साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी, सी के बाद में ए आएगा और ए के बाद बी, तो साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं हम समेशन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी को, ए साइन बी माइनस साइन सी पहली टर्म तो ऐसे लिख दिए, प्लस बी बी के बाद में सी और सी के बाद में साइन सी माइनस साइन ए, फिर प्लस सी सी के बाद में ए और ए के बाद बी साइन ए माइनस साइन बी। अब ये साइन ए साइन बी साइन सी को साइन फॉर्मूले से ए के बी के सी के लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू ए इंटू साइन बी को बी के माइनस साइन सी को सी के प्लस बी इंटू साइन सी को सी के माइनस साइन ए को ए के प्लस लास्ट वाली टर्म में ये सी एज इट इज, ये लास्ट वाली टर्म में ये सी एज इट इज साइन ए को ए के माइनस साइन बी को बी के, ये साइन फॉर्मूला से वैल्यू रख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू यहाँ से के कॉमन निकाल देते हैं और ब्रैकेट में ए का इंटू कर देते हैं, के कॉमन निकाले ब्रैकेट में ए का इंटू करेंगे तो ए बी माइनस सी ए हो जाएगा, प्लस यहां से के कॉमन निकाल लो और
बी का अंदर इंटू कर लो, बी सी माइनस ए बी प्लस यहाँ से के कॉमन निकाल लो और सी का अंदर इंटू कर लो, तो सी ए माइनस बी सी। अब यहाँ से और यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू के कॉमन, तो फर्स्ट ब्रैकेट ए बी माइनस सी ए बचा, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में के कॉमन आ गया तो बी सी माइनस ए बी बचेगा, प्लस थर्ड ब्रैकेट से थर्ड ब्रैकेट में सी ए माइनस बी सी बचेगा, सी ए माइनस बी सी के कॉमन निकाल दिए हमने। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर दो, नेगेटिव बी सी पॉजिटिव बी सी कैंसिल, नेगेटिव सी ए पॉजिटिव सी ए कैंसल्ड, नेगेटिव ए बी और पॉजिटिव ए बी कैंसल, सब कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में जीरो बचा और जीरो का के में इंटू करेंगे तो जीरो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जीरो। तो समेशन ए साइन बी माइनस साइन सी की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल, तो ऐसे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। New exercise, we will start from the new class. Okay, bye.